भारतीय स्वाधीनता संग्राम के महानायक विनायक दामोदर सावरकर यानी वीर सावरकर युवाओं के मानस में जीवंत रहे और नई पीढ़ी भी उनके जीवन कथाओं से राष्ट्रप्रेम की प्रेरणा लेती रहे, इसी मकसद से आज नई मुंबई के विष्णुदास भावे सभागार में वीर सावरकर पर व्याख्यान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समाज सेवी संतोष कानाडे द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मशहूर व्याख्याता पार्थ बाविस्कर ने वीर सावरकर के जीवन संघर्षों पर प्रकाश डाला। पार्थ बाविस्कर ने जिस तरह वीर सावरकर के जीवन प्रसंग और उनके बलिदान का मार्मिक वृत्तांत प्रस्तुत किया, उसे सुनकर सभागार में बैठे सैकड़ों नागरिक और युवा देशभक्ति के भाव से रोमांचित हो उठे। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। स्वराज आंदोलन के महासेनानियों में से एक विनायक दामोदर सावरकर यानी वीर सावरकर के जीवन संघर्षों पर आधारित साहसी सावरकर व्याख्यान कार्यक्रम रोमांचित करने वाला रहा। सावरकर विचार मंच नई मुंबई द्वारा वासी के विष्णुदास भावे सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में पूर्व मंत्री विधायक गणेश नाईक, संजीव नाईक, शंकर गायकर, कमलेश पटेल समेत संघ और VHP के तमाम पदाधिकारी और नागरिक मौजूद थे। यहाँ पुणे के मशहूर व्याख्याता पार्थ बाविस्कर ने जिस तरह वीर सावरकर के जीवन प्रसंग, उनका स्वाधीनता संघर्ष, अंग्रेजों से निपटने की रणनीति और देश के प्रति उनके समर्पण और बलिदान का मार्मिक वृत्तांत प्रस्तुत किया, उसे सुनकर सभागार में बैठे सैकड़ों नागरिक और युवा देशभक्ति के भाव से रोमांचित और भावुक हो उठे। पार्थ बाविस्कर ने कहा कि यह ऐसा इतिहास है जो हमारी किताबों और नौजवानों से दूर रखा गया, लेकिन अब हम इसे सबके सामने लाने के प्रयास में जुटे हैं। नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी हमारे देश का, इस हिंदुस्तान का भविष्य है। इसलिए वीर सावरकर जी जैसे बहुत योद्धा जो जो इस भारत भूमि में हो गए, उनके बारे में, उनके पराक्रम के बारे में, उन्होंने हमारे लिए जो जो किया, उस वो सब बातें आज के युवा पीढ़ी को बतानी चाहिए। क्योंकि हमारे देश में स्वतंत्रता लेने के बाद अब तक सच्चा इतिहास बताया नहीं गया और हमारे बच्चों की ऐसी धारणा हो गई कि भारत देश का इतिहास 1920 से शुरू होता है और वो 1947 को ख़त्म हो जाता है स्वतंत्रता मिलने के बाद। ऐसा भ्रम, ऐसी गलत फहमियाँ जानबूझकर कुछ लोगों ने हमारे पाठ्यक्रम में डाली और अब तक वही इतिहास हमारे बच्चों को बताया जा रहा था। अभी हम वो इतिहास बदलेंगे, हमने वो इतिहास बदलना चाहिए और सच जो है, सावरकर जी का बलिदान जो है, सावरकर जी का पराक्रम जो है, वो हम युवा पीढ़ी तक पहुंचाएंगे, युवा पीढ़ी को बताएंगे। वहीं कार्यक्रम के आयोजक संतोष कानाडे ने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन में हजारों महापुरुषों और वीर सेनानियों ने अपना बलिदान दिया है, उनका बलिदान और संघर्ष गाथाएं नई पीढ़ी तक पहुंचे, यही कार्यक्रम का उद्देश्य है। संतोष कानाडे ने कहा कि सावरकर विचार मंच के जरिए हम एक श्रृंखला के तहत महान पुरुषों की इन गाथाओं को व्याख्यान के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं। खास तौर पर मौजूद शिवसेना जिला प्रमुख विट्ठल मोरे ने इस कार्यक्रम को नई पीढ़ी के लिए बेहद प्रेरणादायी बताया। विनायक दामोदर सावरकर जी के पूरे आयुष्य में उन्होंने देश स्वतंत्र करने के लिए किस तरह का लड़ा दिया, इसके ऊपर व्याख्यान रखा था। ये सभी ने अपने अपने स्कूल के टाइम से सभी ये सब पढ़े हैं, लेकिन आज ये जो बात है, जो स्वतंत्र वीर सावरकर जी ने किया अपने देश के लिए, वो योगदान किस तरह का था, वो अगले पीढ़ी को समझना जरूरी है। और इस तरह, इसके लिए ये जो व्याख्यान आज का रखा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोग सब जानते हैं कि अपना देश पारतंत्र में था और उस वक्त इस तरह की शस्त्र की क्रांति करना, ये बड़ा बहुत कठिन था। लेकिन विनायक दामोदर सावर जी का ये जो योगदान था, वो ऐसे कोई महान व्यक्ति ही कर सकते हैं जो सावरकर ने किया। मूल उद्देश्य या संस्थेचा आहे की सावरकरांचं चरित्र आणि सावरकरांचे विचार हे तरुणांपर्यंत समाजाच्या तळागाळात पोहोचावेत या उद्देशाने या संघटना ही काम करत असते। इतिहासामध्ये स्वातंत्र्य लढ्याचा इतिहास जर पाहिला तर आपल्याला अगदी शालेय जीवनामध्ये आपल्याला 1920 असहकार आंदोलन, 1930 मिठाचा सत्याग्रह, 1942 चले जाव आंदोलन आणि त्यानंतर मिळालेलं स्वातंत्र्य, याच्या पलीकडे फारसा इतिहास हा विद्यार्थ्यांपर्यंत गेलेला नसतो। त्यामुळे सुभाषचंद्र बोस, सावरकर किंवा असे अनेक हुतात्मे या देशासाठी झालेले आहेत, यांचा चरित्राचा सुद्धा अभ्यास व्हावा, विशेषतः तरुण पिढीला, हा उद्देश या संस्थेचा आहे। आणि जग विज्ञाननिष्ठ किंवा जे पुरोगामी विचारांचे किंवा
मगाशी पार्थ सरांनी आपल्या भाषणात जसं सांगितलं की समाजसुधारक सावरकर, म्हणजे सावरकरांची ही जी शतपैलू ही जी सगळी अंग आहेत, या संपूर्ण शतपैलूंचा परिचय नव्या मुंबईत जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवावा या उद्देशाने आम्ही काम करतो. ब्युरो रिपोर्ट, टीव्ही वन इंडिया. लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीव्ही वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें.